गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। वंस अगेन वेलकम बैक टू APS ऑनलाइन साइंस क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने आपको निषेचन की क्रिया के विभिन्न पदों के बारे में आपसे चर्चा की थी। हमने आपसे निषेचन के अलावा पादपों में द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन की क्रिया पर भी हमने आपसे चर्चा की थी। आज हम द्विनिषेचन का महत्व एवं भ्रूणपोष पर अध्ययन करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म। ओके, आज का हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन का महत्व। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन का क्या महत्व है, इस पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन का क्या महत्व है। देखिए, आपको हमने बताया कि आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, उन आवर्त बीजी पादपों के अंदर अंडकोशिका, जब अंडकोशिका किससे संयोग करती है, प्रथम नरयुग्मक से क्या करती है, क्रिया करती है, या प्रथम नरयुग्मक से क्या हो जाती है, संलयित होती है। जब अंडकोशिका प्रथम नरयुग्मक से संयोजित या संलयित होती है तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जब युग्मनज का परिवर्धन होता है, युग्मनज का जब परिवर्धन होता है तो किसका निर्माण होता है, भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये पहला महत्व आप समझ में आ गए कि जब अंडकोशिका, अंडकोशिका आपको बताया बीजाणु में अंडकोशिका एगुणित होती है, अंडकोशिका जब प्रथम नरयुग्मक से, ये प्रथम नरयुग्मक है, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है, एगुणित है। जब ये दोनों आपस में संलयित होते हैं तो संलयन की क्रिया के पश्चात, ठीक है, संलयन की क्रिया आप देख रहे हो, जब दोनों ये आपस में संलयित होते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये द्विगुणित युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और यही द्विगुणित युग्मनज जब परिवर्धित होता है, विकसित होता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अर्थात द्विनिषेचन का पहला महत्व क्या हुआ, जब अंडकोशिका प्रथम नरयुग्मक से संलयित होती है तो युग्मनज का निर्माण होता है, तथा युग्मनज के परिवर्धन से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। देखिए, इसके बाद हम दूसरे महत्व पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। द्वितीय केंद्रक होता है, कौन सा केंद्रक होता है, द्वितीय केंद्रक। आपको मालूम है बीजांड के अंदर क्या होता है, द्वितीय केंद्रक होता है। द्वितीय केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। द्वितीय केंद्रक कैसा होता है, द्वितीय केंद्रक है, और द्वितीय केंद्रक कैसा है, द्विगुणित है। आपको हमने बताया कि भ्रूण को जो होता है उसके मध्य में, ठीक है, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक एगुणित होते हैं, और जब ये संलयित हो जाते हैं
तो संलयित होने के पश्चात द्वितीय केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और द्वितीय केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। जब ये द्वितीय केंद्रक किससे संलयित होता है, द्वितीय नर युग्मक से क्या होता है, संलयित होता है। द्वितीय नर युग्मक से क्या होता है, संलयित होता है। जब द्वितीय केंद्रक द्वितीय नर युग्मक, ये द्वितीय नर युग्मक है, ये कैसा है, अगुणित है। जब द्वितीय केंद्रक द्वितीय नर युग्मक से क्या होता है, संलयित होता है। तो संलयित होने के पश्चात आपको बता दूं, ये देखिए द्विगुणित हो गया और ये क्या हो गया, अगुणित हो गया। जब ये दोनों आपस में संलयित होते हैं तो संलयन के पश्चात किसका निर्माण होता है, त्रिगुणित, 2n + n = 3n हो गया, ठीक है। और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। भ्रूण कोश केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आपको मैंने बोला है कि अंडकोशिका और प्रथम नरयुग्मक जब संलयित होते हैं तो युग्मज का निर्माण होता है, जिसे युग्मक संलय, सिंगमी, प्रथम निषेचन या उसे सप्त निषेचन कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, द्वितीय केंद्रक और द्वितीय नरयुग्मक दोनों आपस में संयोजित होते हैं या संलयित होते हैं तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहा जाता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहा जाता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का क्या होता है, निर्माण। ये दूसरा महत्व तो आपके समझ में आ गया होगा, अर्थात हम कैसे लिखेंगे, जब द्वितीय नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से क्या हो जाता है, संलयित होता है, तो संलयन के पश्चात या संयोजन के पश्चात प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का क्या करता है, निर्माण करता है। यही प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है, यही प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कब करता है, जब भ्रूण का क्या होता है, परिवर्धन होता है, तो परिवर्धन की क्रिया के दौरान यह प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक जो होते हैं वो भ्रूण को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो प्राथमिक भ्रूण कोश के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए ये भ्रूण बन गया है, और ये भ्रूण जो होता है, तीसरे बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, तीसरे महत्व पर, कि जो भ्रूण का निर्माण होता है उस भ्रूण में मातृ गुणसूत्र भी होते हैं। भ्रूण में कौन से गुणसूत्र होते हैं, मातृ गुणसूत्र भी होते हैं और पैतृक गुणसूत्र भी होते हैं। भ्रूण में मातृ एवं पैतृक गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण में क्या पाया जाता है, मातृ व पैतृक गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मात्र और पैतृक जो लक्षण पाए जाते हैं वो संकर ओज लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन से लक्षणों को प्रदर्शित करता है, संकर ओज लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। संकर ओज लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, भ्रूण में मात्र गुणसूत्र और पैतृक गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि भ्रूण में नर और मादा दोनों युग्मों के क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो क्या करते हैं, संकर ओज लक्षणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। क्लियर बात होगी, ये तीसरा करैक्टर यानी कि तीसरा महत्व है। चौथे महत्व पर हम बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि इस पहले बिंदु में आपको बताया था यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई थी, युग्मक संलयन की क्रिया हुई थी। कौन सी क्रिया हुई थी, युग्मक संलयन। और दूसरे बिंदु में कौन सा क्रिया हुई थी, त्रिसंलयन की क्रिया। जब युग्मक संलयन और त्रिसंलयन की क्रिया होती है
तो बीजों की जो लंबी जीवन क्षमता, बीजों को क्या प्राप्त होता है, लंबी जीवन क्षमता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अर्थात बीजों को जो लंबी जीवन क्षमता प्राप्त होती है, बीजों को लंबी जीवन क्षमता जो प्राप्त होती है वो युग्मक संलयन के कारण या युग्मक संलयन व त्रिसंलयन के कारण क्या होती है, प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि बीजों को लंबी जीवन जो क्षमता प्राप्त होती है वो युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन के कारण क्या होती है, प्राप्त होती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि युग्मक संलयन व त्रिसंलयन के कारण ही, युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन के कारण ही बीजों की लंबी जीवन क्षमता, बीजों को लंबी जीवन क्षमता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। देखिए इसके बाद ये पांच चौथा करैक्टर हो गया, यानी कि चौथा महत्व हो गया है, और हम अब पांचवें बिंदु पर अब आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए द्विनिषेचन के कारण ही भ्रूण का जो जीवद्रव होता है, द्विनिषेचन के कारण जो भ्रूण का जीवद्रव होता है उसका पुनर्नवीनीकरण होता है, साथ में उसका पुनर्विन्यास भी होता है। यानी कि द्विनिषेचन के कारण भ्रूण का जो जीवद्रव होगा उसका पुनर्नवीनीकरण होता है, भ्रूण के जीव द्रव का क्या होता है, पुनर्नवीनीकरण होता है, पुनर्नवीनीकरण होता है, साथ में उनका क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, द्विनिषेचन के कारण भ्रूण का पुनर्नवीनीकरण और पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, यह हो गया आपका द्विनिषेचन का महत्व। एक बार फिर हम द्विनिषेचन के महत्व को, ठीक है, संक्षिप्त में और शीघ्रता से आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट आपको बताया कि अंडकोशिका प्रथम नरयुग्मक से संलयित होकर के या संयोजित होकर के युग्मनज का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का परिवर्तन होने के फलस्वरूप, युग्मनज का परिवर्तन जब होता है तो भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात द्विनिषेचन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु हमने आपको बताया कि जब द्वितीय केंद्रक और द्वितीय नरयुग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं तो इसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। यही त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। तीसरा बिंदु मैंने बताया कि भ्रूण जो होता है उसमें मात्र और पैतृक गुणसूत्र होते हैं। भ्रूण में क्या होता है, मातृ गुणसूत्र होते हैं और पैतृ गुणसूत्र होते हैं, जिससे उनमें संकर ओज लक्षण, जिससे वे संकर ओज लक्षणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कौन से लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, संकर ओज लक्षणों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। चौथा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे युग्मक संलयन होता है, साथ में त्रिसंलयन होता है। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन के कारण ही बीजों को लंबी जीवन क्षमता क्या होती है, प्राप्त होती है। और सबसे अंत में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि द्विनिषेचन के कारण ही भ्रूण का जो जीव द्रव होता है उसका पुनर्नवीनीकरण और पुनर्विन्यास जो होता है वो द्विनिषेचन के कारण ही होता है। तो द्विनिषेचन के कारण भ्रूण के जीवद्रव का पुनर्नवीनीकरण और पुनर्विन्यास द्विनिषेचन के द्वारा ही होता है। ये हमने आपको द्विनिषेचन का महत्व बता दिया। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए द्विनिषेचन का महत्व के बाद हम अगला टॉपिक है जिस पे आपसे बात करेंगे और वो है हमारा भ्रूण कोष। अगला टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष को एंडोस्पर्म कहा जाता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, देखिए एंडोस्पर्म पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं हम। खास तौर से आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, आपको बताया था कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष का निर्माण जो होता है वो त्रिसंलयन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है,
यानी कि आवर्त बीजी पादपों में त्रिसंलयन के कारण प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, आवर्त बीजी पादपों में किसके कारण, त्रिसंलयन के कारण, त्रिसंलयन के कारण किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। त्रिसंलयन हम आपको बता चुके हैं कि जब द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियर, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक नर युग्मक से, द्वितीयक नर युग्मक से सेकेंडरी मेल गैमेट से क्या हो जाता है, संयोजित होता है। जब द्वितीयक केंद्रक द्वितीयक नर युग्मक से संयोजित होता है या संलयित होता है तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का क्या होता है, निर्माण होता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपको बता दें आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन की क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन की क्रिया के दौरान ही होता है, और ये भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण को क्या प्रदान करता है, भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अगर जिम्नोस्पर्म पादपों की हम बात करें, ये तो हमने एंजियोस्पर्म वर्ग के पादपों की बात की, एंजियोस्पर्म पादपों में बात की, यानी कि आपको यह मालूम चला कि आवर्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, और भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन की क्रिया के दौरान होता है। परंतु जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो निषेचन से पहले होता है। भ्रूण कोश का निर्माण जिम्नोस्पर्म वर्ग के पादपों में कब होता है, निषेचन से पहले होता है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो कब होता है, निषेचन की क्रिया के दौरान ही होता है। ठीक है, तो आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश का निर्माण निषेचन की क्रिया से पहले हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखने के है कि यहाँ पर जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है, अनावर्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है वो अगुणित होता है, जबकि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश कैसा होता है, अगुणित प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि भ्रूण कोश के विकास के आधार पर भ्रूण कोश के प्रकार। ठीक है, अगला हेडिंग हम बात कर रहे हैं भ्रूण कोश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भ्रूण कोश के विकास के आधार पर, भ्रूण कोश के विकास के आधार पर, विकास के आधार पर भ्रूण कोश के प्रकार, भ्रूण कोश के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट,
इट्स मींस एंडोस्पर्म। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष का विकास किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो भ्रूण कोष के विकास के आधार पर, यानी कि भ्रूण कोष का विकास जो होता है उसके आधार पर भ्रूण कोष जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। विकास के आधार पर भ्रूण कोष कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। भ्रूण कोष विकास के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, या परिवर्धन के आधार पर भ्रूण कोष तीन प्रकार का होता है। पहला कहलाएगा केंद्र की है भ्रूण कोष, केंद्र की है भ्रूण कोष, केंद्र की है भ्रूण कोष, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा प्रकार का है जिसको बोलते हैं कोशिकीय भ्रूण कोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूण कोष। और तीसरा प्रकार का है हेलोबियल, हेलोबियल प्रकार का भ्रूण कोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो भ्रूण कोष को विकास के आधार पर कितने भागों में, परिवर्धन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला है केंद्रीय भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष और हेलोबियल भ्रूण कोष। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो केंद्रीय भ्रूण कोष पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पोर पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम बना रहे हैं हम आपको सबसे पहले। ठीक है, ये क्या है, भ्रूण है, ये क्या है, भ्रूणीय कोशिका है। ठीक है, ये भ्रूणीय कोशिका है। तो इस प्रकार के भ्रूण कोष का जब परिवर्धन होगा तो प्राथमिक भ्रूण कोष जो केंद्रक होगा, ये प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि ये क्या है कि प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक होता है, ये भ्रूण होता है। तो इस प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर या प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक के अंदर स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जब विभाजन होते हैं तो अनेक केंद्रकों का यहाँ पर क्या हो जाता है, ये केंद्रक विभाजित होगा तो दो केंद्रक बन गए, इन दो में फिर विभाजन होगा, तो इस तरीके से बहुत सारे केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, केंद्रकों का क्या हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूण कोष में जब स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। केंद्रकों का जब निर्माण होता है तो कुछ समय पश्चात इन्हीं केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन्हीं केंद्रकों के चारों ओर कुछ समय पश्चात कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और ये केंद्रक जो होते हैं वो किस ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। किस ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। तथा कोशिका के मध्य में, यहां पर आप देख रहे हो बीचों बीच में क्या बन जाती है, इसके अंदर एक रिक्तिका का, एक बड़ी रिक्तिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या इसके अंदर मध्य में क्या बन जाती है, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। और परिधीय भाग पर केंद्रीय भ्रूण कोष का क्या हो जाता है, परिधीय भाग पर क्या हो जाता है, जो केंद्रक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोष को केंद्रकीय भ्रूण कोष कहा जाता है। केंद्रकीय भ्रूण कोष की परिभाषा क्या हुई, ध्यान से सुनना,
इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्तन के दौरान, ठीक है, कौन से भ्रूणपोष के परिवर्तन के दौरान, केंद्रकीय भ्रूणपोष के परिवर्तन के दौरान, प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अंदर स्वतंत्र रूप से क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। स्वतंत्र रूप से कोशिका विभाजन होने के कुछ समय पश्चात इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और ये केंद्रक जो होते हैं वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इनके मध्य में क्या बन जाते हैं, एक बड़ी रिक्तिका का, ये रिक्तिका है, एक बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष को केंद्रकीय भ्रूण पोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष कहा जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रकार के भ्रूण पोष के परिवर्तन के दौरान प्राथमिक भ्रूण पोष की, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के केंद्रक में स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कुछ समय पश्चात ये केंद्रक, केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, तत्पश्चात ये केंद्रक परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष को केंद्रकीय प्रकार का भ्रूण पोष कहा जाता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष को केंद्रकीय भ्रूण पोष कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, केंद्रकीय भ्रूण पोष जो होता है वो पॉलीपेटली वर्ग के जो पादप होते हैं, कौन से पादप होते हैं, पॉलीपेटली वर्ग के जो पादप होते हैं, पॉलीपेटली वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। कौन सा भ्रूण पोष पाया जाता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। आवर्तबीजी पादप, आपको बता दूं 56% आवर्तबीजी पादपों के जो कुल होते हैं, हम कह सकते हैं आवर्तबीजी पादपों के 56% कुलों में, आवर्तबीजी पादपों के 56% जो कुल होते हैं, उन 56% कुलों में कौन से प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है, केंद्रकीय प्रकार का भ्रूण पोष पाया जाता है। मैंने बोला कि पॉलीपेटली वर्ग, पॉलीपेटली के अंदर आपको बता दूं गेहूं है, मक्का है, चावल है, बाजरा है, ये सारे पॉलीपेटली के अंदर आते हैं, तो इन सभी के अंदर कौन सा भ्रूण पोष पाया जाता है, केंद्रकीय प्रकार का क्या पाया जाता है, भ्रूण पोष पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉलीपेटली वर्ग के पादपों में केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है, तो आवर्तबीजी पादपों के लगभग 56% जो कुल होते हैं उसमें केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। आपको हम बता दें, नारियल जो होता है, ठीक है, नारियल का जो पानी होता है उस नारियल के पानी में भी केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। नारियल जो होता है उस नारियल के अंदर जो पानी होता है उसमें भी कौन सा भ्रूण पोष पाया जाता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। इस भ्रूण पोष में एक द्रव पदार्थ भरा होता है, इस द्रव पदार्थ में केंद्रक जो होता है वो इस द्रव पदार्थ के अंदर क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और इस प्रकार के भ्रूण पोष को द्रव भ्रूण पोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव भ्रूण पोष भी उसे कहा जाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म भी उसे क्या है, कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि द्रव भ्रूण पोष किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कुछ पादपों के भ्रूण पोष, कुछ पादपों के भ्रूण पोष में एक द्रव पदार्थ भरा होता है, या भ्रूण पोष में एक द्रव पदार्थ भरा होता है जिसमें केंद्रक तैरते रहते हैं, इस प्रकार के भ्रूण पोष को द्रव भ्रूण पोष कहते हैं। खास तौर से नारियल जो होता है उस नारियल पानी के अंदर केंद्रकीय भ्रूण पोष पाया जाता है। केंद्रकीय भ्रूण पोष के बाद हम बात कर रहे हैं कोशिकीय भ्रूण पोष। देखिए, केंद्रकीय भ्रूण पोष में आपने समझा कि जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक होता है उसमें स्वतंत्र रूप से अनेक कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रकों का निर्माण होता है, कुछ समय पश्चात उस केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और वो केंद्रक जो होते हैं वो परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, उनके मध्य में क्या हो जाता है, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण पोष को, ये बड़ी रिक्तिका आप देख लीजिए,
और इस प्रकार के भ्रूण कोष को क्या कहा जाता है, केंद्रकीय भ्रूण कोष कहा जाता है। बात करते हैं कोशिकीय भ्रूण कोष पर। कोशिकीय भ्रूण कोष सेलुलर एंडोस्पर्म पे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है। देखो ये एक भ्रूण कोष होता है जिसके अंदर ये क्या होता है, भ्रूण होता है। ये तो हो गया भ्रूण। इस भ्रूण के बाद यहां पर ये क्या है, भ्रूण कोष, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक, ठीक है। कोशिकीय भ्रूण कोष पे बात कर रहे हैं। प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक है जो त्रिगुणित होता है। इस प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक के अंदर, ठीक है, प्रथम कोशिका विभाजन होगा, उसके बाद अनेक क्या होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं। प्रथम कोशिका विभाजन होगा, जैसे प्रथम कोशिका विभाजन ही होगा, ये केंद्रक इतने भागों में बट गया। फिर इन दोनों केंद्रकों में पुनः क्या होगा, इन दोनों केंद्रकों के अंदर पुनः क्या होंगे, अनेक बहुत सारे क्या होंगे, कोशिका विभाजन होंगे। कोशिका विभाजन होने के पश्चात यहां पे बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जब ये बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है तो इसकी संरचना को हम इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भ्रूण हो गया और ये केंद्रक जो है, इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन केंद्रकों के चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। इनके बाहर की ओर भी कोशिकाएं विकसित होती हैं, इनके बाहर भी और कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से बाहर की ओर ये कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, या कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपको यहां पे बना रहा हूं, डायग्राम देखिएगा। तो ये क्या है, बाहर की तरफ कोशिका है, ठीक है, और यहां पर जो केंद्रक है उनमें अनेक बार कोशिका विभाजन होता है। अनेक बार कोशिका विभाजन होने के पश्चात इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति, इस केंद्रक के चारों ओर क्या बन गई है, ये कोशिका भित्ति बन गई है। इस केंद्रक के चारों ओर ये कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया है। इस केंद्रक के चारों ओर ये कोशिका भित्ति का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। इस प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है उसमें चूसकांगों का क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहां दिखा दिया, इस तरीके से यहां पे चूसकांग इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं। और इन्हीं चूसकांगों की सहायता से, इन्हीं चूसकांगों की सहायता से ये भ्रूण कोष को, भ्रूण कोष की बाहरी कोशिका और आंतरिक कोशिका, बाहरी कोशिकाएं ये बाहरी कोशिकाएं और ये आंतरिक कोशिकाएं, बाहरी व आंतरिक कोशिकाओं को क्या प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक बार फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि भाई कोशिकीय प्रकार का जो भ्रूण कोष होता है, इस प्रकार का भ्रूण कोष जब परिवर्धित होता है तो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक जो होता है उसमें प्रथम कोशिका विभाजन होता है और प्रथम के बाद अनेक कोशिका विभाजन होता है। प्रथम तथा अनेक कोशिका विभाजन होने के पश्चात, ठीक है, केंद्रक, अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है और इन अनेक केंद्रकों के चारों ओर किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोष में चूसकांगों का निर्माण होता है, इन्हीं चूसकांगों की सहायता से भ्रूण कोष में उपस्थित बाहरी और आंतरिक कोशिकाओं को क्या प्रदान किया जाता है, पोषण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोष को कोशिकीय भ्रूण कोष कहा जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, गैमेटोपैटली वर्ग के पादप होते हैं, गैमेटोपैटली वर्ग के जितने भी पादप होते हैं उन पादपों में कोशिकीय भ्रूण कोष पाया जाता है।
गैमेटोपैटली पादपों का मैं एक आपको उदाहरण देके बता रहा हूं, जिसका नाम ध्यान से सुनना, वर बेसकम नामक एक पौधा होता है। वर बेसकम नामक पौधा होता है, उसमें कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष पाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कोशिकीय भ्रूण कोष गैमेटोपैटली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। गैमेटोपैटली वर्ग का एक पादप का नाम मैंने आपको बताया, जिसका नाम है वर बेसकम पादप। ये वर बेसकम पादप में कोशिकीय प्रकार का क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। मेरे ख्याल से आप सभी को भ्रूण कोष के विकास के आधार पर मैंने अभी तक आपको दो प्रकार के भ्रूण कोषों पर डिस्कस किया है, पहला केंद्रकीय प्रकार का, दूसरा कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोष। और आप सभी के शायद ये दोनों भ्रूण कोष क्या है समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।